जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से एक बार छोटे से ब्रेक के बाद में। खबर है सीकर से, जहां पर आज मोदी सरकार के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया गया है। इसी के चलते सीकर से लोकसभा सांसद सुमेधानंद से हमारे संवाददाता पवन सोनी की खास बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं राजस्थान आवाज न्यूज 24 से। आज हम आए हैं सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी के वैदिक आश्रम में, उनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। आइए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए शुरू किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ष पहले ही जब कोविड प्रारंभ हुआ तो अपने संबोधन में एक बात कही थी कि भारत को हमें अपने पैरों पर खड़ा करना है, और वोकल फॉर लोकल का नारा दे करके उन्होंने इस बात को तय किया था कि हम वैक्सीनेशन तैयार करेंगे। और जिस समय पिछला कोविड आया उस समय हमारे देश में कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ तक कि पीपी किट भी नहीं बनता था, एक मास्क की समस्या थी। और उन्होंने साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को खूब प्रोत्साहित करके और हमारे यहाँ की भारत की खुद की दो वैक्सीन तैयार की, और उसके बाद में वैक्सीनेशन का अभियान चला। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 45 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, उसका अभियान खूब बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे लोगों को दो दो वैक्सीन लग गई है। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जल्दी होना चाहिए, हम खुद ले सकते हैं, विदेशों से मंगवा सकते हैं, हमें अधिकार दिया जाना चाहिए। उनकी मांग पर प्रधानमंत्री जी ने उनको अधिकार दिए कि 18 से 45 के बीच में वैक्सीनेशन करने के लिए अगर राज्य सरकार कोई कहीं से विदेश से तो वैक्सीन मंगाना चाहती है तो हम उसको छूट देते हैं। लेकिन आपने देखा कि इस अवधि के अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने टेंडर भी किए, सब कुछ किया, ग्लोबल टेंडर किए, किसी ने हाँ नहीं भरी वैक्सीन देने की, और उससे वो फ्लॉप होती दिखाई दी। तो फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पर दूसरे ढंग के आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए कि देश में एक ही टेंडर होना चाहिए था, फ्री वैक्सीनेशन होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे। एक ही उद्देश्य था खासतौर से कांग्रेस की सरकारों का, कुछ जैसे केजरीवाल की सरकारों का, कि प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। लेकिन सूर्य को कितना ही धूमिल करने की कोशिश की जाए वो तो चमकता ही रहेगा, और प्रधानमंत्री जी का जो जीवन ही राष्ट्रहित के लिए है तो उन्होंने तय किया। और अभी पिछले दिनों उन्होंने स्पष्ट घोषणा की 18 साल से 45 के बीच के लोगों को भी भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीनेशन देगी, इसके लगाने की व्यवस्था सरकारें करेंगी, राज्य सरकारें करेंगी। तो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत में कोई व्यक्ति दुखी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर चलते हैं, और इसलिए 35,000 करोड़ का प्रावधान उन्होंने रखा था। पूरे देश में ऑक्सीजन के संकट आए, ऑक्सीजन प्लांट लगे, विदेशों से ऑक्सीजन मंगाई, पूरी फौज को, तीनों सेनाओं को उसमें जोड़ दिया। तो उनका लक्ष्य है कि देश की जनता दुखी न हो, वो सुखी रहे, ये उनका उद्देश्य है। अब तक कितनी वैक्सीनेशन हो गई सर भारत में? लगभग 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन हो चुकी है, और दिसंबर तक उनका लक्ष्य है कि हम डबल वैक्सीन कर देंगे। हमने अनेक विदेशी कंपनियों से, स्वदेशी कंपनियों से तय कर लिया है कि हमें इस प्रकार के वैक्सीनेशन का प्रावधान करके हम दे देंगे दवाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें राजस्थान आवाज़ न्यूज़ का इतना समय दिया।